वो इंस्टा पे रील्स वील्स बनाती है थोड़ी, समझ गए हो गया आप? अच्छा है ना, तो भाई सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपने टेक्निकल के, कौन सी क्लास है टेक्निकल के, एप्टीट्यूड की किसी एक चीज की क्लास है। और भाई यहाँ से चलेंगे बोली की तरह, भाई नई बाइक खरीदी हमारे ग्रुप में और बहुत तगड़ी है। एक लड़के को बोलते ना पहले, बोले उसको ले लेते हैं। बाल तो सेट हुए पर कोई नहीं, फिर भी गोरा सा लग रहा हूँ, रंग सही लग रहा है कुछ ऐसा। हमने खड़ा तिवारी बिजनौरी, और ये हमारे कॉलेज का व्यू देख लो भाई कितना सही है। एक सेकंड तो भाई अभी चलते हैं, पहले तो बाल वाल भी अब ठीक लग रहे हैं, मतलब सेट उठे तो नहीं पर ऐसे गिरे गिरे भी अच्छे लग रहे हैं। और अभी चलते हैं भाई, आए हैं। हाँ भाई, भाई रात कहाँ गए थे तुम सारे? भाई इतने ऐसे गलत दोस्त है ना भाई, मेरे को लेके भी नहीं गए, चुपचाप निकल गए, मैं सो रहा था तो। देख भी नहीं आया, तब भी क्लास है। भाई देख रहे हो हमारा वो क्या कहते हैं मोटिवेशन, डेडिकेशन, जब भी क्लास आ रहे हैं। पर भाई तुमने पता तुझे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि तू रात को मुझे नहीं ले गए ना भाई, तुम सारे चले गए। अबे तू बात कर रहा था भाई, कहीं कहीं बात नहीं कर रहा था, मैं सो रहा था। अबे ये आईडी कार्ड चेक करेंगे इनको, ये बताओ गर्मियों की छुट्टी में भाई किसको शौक है आने का यहाँ पे? भाई डिजाइन देख लो, पेडेस्ट्रियन ओनली, किसी दिन बाइक लेके घुसेड़ दूंगा यहाँ पे का, देख लो व्यू। अब आप क्या ओपन डे क्या है पता नहीं, और यहाँ पे आज सिर्फ थर्ड ईयर आया है, तो थर्ड ईयर में देख लो कितनी कम भीड़ है, सिर्फ थर्ड ईयर। साहिब भाई हेलो कर दो, टेक्निकल की क्लास चल रही है, पार्टी चल रही है, कब ले आए? अबे भाई बता सर की सही बात है, क्लास ले रहे छुट्टियों में? बिल्कुल गलत है भाई। भाई क्या कह रहे, कप नहीं गिरने भाई, क्या कहना चाहोगे यार? भी लोग है, चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत चल जाएगा। मुकुल हाँ भाई क्या कहना चाहेगा कि सर गलत ले रहे हैं ना भाई? ले तो भाई तुम्हारी है। नहीं भाई मैं कह रहा हूँ गलत क्लासेस ले रहे हैं भाई, ये पीना है किसी को ORS का पानी? कप भी लाया बहुत सारे ठाके। चल यार दे दे भाई, देख रहे हो सिस्टम, देखो आप बस पिकनिक बना दी क्लास की। प्रेजेंट सर ले भाई, पी के देख एनर्जी, पीना है पीना है तेरा नाम लिख दिया देख भाई। लो भाई दिल लगाऊं आगे? हाँ लगा, दिल लगा दे भाई, चेयर्स तो कर ले भाई, चेयर्स तो कर ले भाई। ORS का बहुत तगड़ा, ORS का बहुत तगड़ा स्वाद बना दिया मैंने भाई। अटेंडेंस इतनी देर में लेंगे ना, आधे घंटा लगा देंगे अटेंडेंस लेने में, ब्रेक के टाइम पे भी अटेंडेंस ले रहे थे इतने बच्चे हैं, नंबर बोल बोल के ले रहे हैं उनकी सैप आई डी से। भाई कल एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी छोटी सी कल भाई, ओए क्या था कंट्रोवर्सी में बता दूँ क्या? तू बताएगा, तू बता भाई। अच्छा भाई अटेंडेंस ले रहा है भाई, मैं बताता हूँ कल एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या हुआ था उसमें, किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी तो कह रहा कि भाई तेरे को हंसी वसी नहीं आती तेरी वीडियो में, वो मतलब तू फनी नहीं है। मैं कहा हाँ यार मैं बिना गाली के फन नहीं कर पाता ना, तो कह रहे हाँ गाली दे सकते हो वो, तो मैंने फिर है कुछ बोल बहन के लोग। यार अब बता दो तो कंट्रोवर्सी क्या थी, नाम वाम मत लेना अभी भाई। को लगता है कि उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो दिमाग में ज्यादा होगा, गलत कैसे? तो भाई बेसिकली वही था, मतलब कल से ही रोस्ट कर दिया ना मैंने, मस्त एकदम मजा आ गया। भाई दोस्त है फालतू नहीं बोलते। अबे दोस्त के आशिक बहन दे भाई, पता है क्या है, उनका कंटेंट अलग था मेरा अलग था, उनका टिकटॉक वाला कंटेंट था, मेरा भाई अपना बढ़िया कंटेंट है। तो कुछ उससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी मैंने अच्छी खासी सुना दी भाई, ग्रुप में बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया, जैसे कि आदित्य ने किया भाई और एक लड़की और थी, तो मतलब गलत नहीं था मैं, इसलिए सबने मेरा सपोर्ट किया। तो अब सब कह रहे हैं कि भाई एक रोस्ट वीडियो निकाल दे उस पे, फोन कर तो भाई निकालूंगा एक रोस्ट वीडियो। देख यार लास्ट बॉल को खुद ही चुको भाई, सारे टीम ने चुप करा दिया। सपोर्ट में कौन फिस कर ज्यादा बच्चे मेरे सुनील के, देख रहा भाई फैन फॉलोइंग है भाई, फैन फॉलोइंग क्या है भाई, जो सही है वो सही है भाई। 2 लाइक से 3 लाइक हो गए थे। करते भाई व्लॉग चालू हो गया, रिदे हुए भाई व्लॉग चालू हो गया, एक्सपोज कर दे अब। किसको एक्सपोज करना है भाई? जिसको भी कर रहा था
जो ये व्लॉग बना रहे हैं। हाँ तो भाई जिसको नहीं पता, मैं पता है अभी अपनी क्लास छोड़ के आया हूँ टेक्निकल की, सिर्फ किसके लिए, किन से मिलने, दीदी से मिलने, बट आज इनका बिल्कुल ही आखिरी दिन है। कहते ना अब थोड़ी आओगे, अरे तो कॉन्वोकेशन को नहीं गिनते, अब इनका लास्ट टू लास्ट सबसे आखिरी दिन है भाई। और दीदी आपको पता है मेरे हेटर्स बन गए, अभी अभी बताऊँ, अरे नहीं दूसरे नए हेटर्स फिर आए, आपको ही बताऊँगा भाई। अभी हम आईटी ब्लॉक में नो ड्यूज साइन करवा रहे हैं, देखा ना दीदी कैसे होता है। तो अभी पहले चलते हैं काम करवाते हैं ड्यूज का, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ है। वैसे तो थोड़ा बहुत मैंने क्लास के बच्चों से डिस्कस कर लिया है, बंदे दीदी पर इनको भी तो अच्छे से बताना है कि क्या बात है। यहाँ पे हम नहीं जाते दीदी, फटाफट करो काम पहले यार, यहाँ कर ले। तो गाइस अभी फॉर्म तो साइन होने गया हुआ है, तो मैं आपको दीदी, हाँ मैं आपको पहले मेन चीज़ बताऊँ मेरे हेटर्स कैसे बन गए। पता क्या हुआ, ग्रुप में ना, क्लास ग्रुप में मैं जैसे वीडियो बना के उसे शेयर करता हूँ ना ब्लॉग को, तो किसी एक ने बोला कि मतलब कि ये प्रमोशन वो वाला वो नहीं है, क्या कहते हैं ग्रुप, ये सिर्फ AIML के काम के लिए, बट वो अनऑफिशियल ग्रुप है तो हम तो कुछ भी भेज सकते हैं। तो उस पर बहस हुई बहुत देर तक, तो मतलब मैंने बहुत तगड़े तगड़े पॉइंट मारे, मतलब वो एक लड़की थी उसे बहुत गंदा रोस्ट मार दिया मैंने पॉइंट्स पे। वो इंस्टा पे रील्स वील्स बनाती है थोड़ी, समझ गए हो गया। अच्छा है ना, तो भाई अब रील्स बनाने वाले हो तो आपको पता ही है टिकटॉक, तो भाई मैंने बहुत गंदा रोस्ट मारा। तो फिर वो ना उसे फॉलोवर्स का घूमन था, कह रही मेरे इतने वो इतने फॉलोवर्स, तेरे तो दो ही लाइक आए अभी तक वीडियो पे, एक तो यूट्यूब पे क्या लाइक कम ही आते स्टार्टिंग में। तो फिर तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं कहा दो लाइक थे, मैं कहा वो दो ही मेरे लिए बहुत हैं। फिर एक नई लड़की ग्रुप में ही उनने मेरा मेरा स्टैंड लिया, मतलब मेरा सपोर्ट किया, मैंने कहा ले दो से तीन हो गए, बता अब क्या करेगी। फिर ऐसी बहस चलती रही है वो, तो मतलब बहुत तगड़ा सीन हो, तो मतलब आजकल लोग जल रहे हैं मेरे से, मैं तरक्की कर रहा हूँ। और भाई कॉलेज का व्यू देख लो दीदी, आप लास्ट बार कॉलेज देख लो, अरे तो कॉन्वोकेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी देख लो लास्ट बार, ये देख लो यार थंबनेल की, थंबनेल किससे निकलवाऊँ मैं, देखना चाहेगा, अरे जूरी हो गई अब तो ख़त्म पेपर। और एक सेकंड अब आएगा, ठीक देख एक बार देख के ना सामने, ठीक आ रहा है हाँ। अब आप पीछे आ जाओ अपनी जगह देख के, रुक जाओ हाँ अब ठीक है, देखा निकल गया थंबनेल। BDS वालों के पेपर कैसे होते हैं दीदी, आपका भी ऐसी हुआ था दीदी, आपकी भी जूरी ऐसी हुई थी? नहीं नहीं मैं तो एक्सटर्नल आया था। ओके और ये भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में पैसे निकलवा रहे हैं हम, तो ये फर्स्ट ईयर वालों की हो रही होगी कैसे, इनकी कुछ ऐसी चोरी होती है, ये इनका कोर्स है ये बनाना है।